हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वीगन सलाद। ये एक हेल्दी एंड वेट लॉस रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में फटाफट बन जाती है। वीगन सलाद स्वाद में बहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है। और दोस्तों, आज की बोनस टिप जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप मेरी चैनल से जुड़े हुए हैं तो लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीगन सलाद बनाने के लिए अब हम एक बाउल में स्क्वायर शेप में कट किए हुए 2 टेबलस्पून एप्पल, 2 टेबलस्पून पियर, 2 टेबलस्पून वाटरमेलन, 2 टेबलस्पून मैंगो और 2 टेबलस्पून कुकुम्बर ऐड करेंगे। फिर सबको अच्छे से इस तरह मिक्स करेंगे। यहाँ आप अपने चॉइस के फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून जैगरी सिरप, 1/4 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और स्वाद अनुसार ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ आप ब्लैक सॉल्ट की जगह रेगुलर नमक भी यूज़ कर सकते हैं। जैगरी सिरप मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर आपके घर में गुड़ हो तो उसे मेल्ट करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा टैंगी एंड चटपटा वीगन सलाद बनके तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे मॉर्निंग में या आफ्टरनून में फटाफट बना के एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमें एक बात का खास ध्यान रखना है, जब भी आप ये वीगन सलाद बनाओगे तो उसे तुरंत ही सर्व करना है, बना के रखना नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये कितने कम समय में फटाफट रेडी हो गया और ये बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंद आएगा और ये हेल्दी एंड वेट लॉस रेसिपी है और इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और विटामिन्स रहते हैं, इसीलिए हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैं आपको बताऊंगी आज की बोनस टिप। वीगन सलाद बनाने के लिए आप लेमन जूस की जगह आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपका वीगन सलाद टेस्टी एंड यम्मी बनेगा। और दोस्तों, मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।